आप प्रज्ञा को इलेक्शन लड़वाएंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि इस शहर का, भोपाल शहर का नागरिक उसे वोट देगा, तो प्रज्ञा कौन है वो तो छोड़ो, आपकी राय भोपाल के आदमियों के बारे में क्या है? मैंने ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं एक मतलब एक सेमिनार हो रहा था दिल्ली में, एक पेपर है नई दुनिया, एक शाही सिद्धी की एक साहब है, टीवी पे भी अक्सर आते हैं, उन्होंने कराया था सेमिनार काफी साल पहले की बात, ये उस जमाने की बात है जब शाही इमाम साहब का बहुत बोलबाला है। तो उन्होंने एक सेमिनार किया द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो भाई हमें भी बुलाया, हमने कहा जरूर आएंगे, तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस पर तो मैं बोलना चाहूंगा। तो वहां बड़े बड़े बैठे थे लीडर, और नाम नहीं लेना चाहूंगा, यार ये कहां बजरा भैया, फोन तो ले लो, फोन ले लो, मेरा भी सलाम कहो। तो एक लीडर जो अब बीजेपी में चले गए हैं, उस समय किसी दूसरी पार्टी में थे, वो स्टेज पे खड़ा होगी क्योंकि हॉल तो भरा हुआ था, टोपी और दाढ़ी पे, तो कुरान सुना रहे थे। अब वो बीजेपी में है, तो ये सब होता रहा। तो मेरी बारी आई, मैंने कहा आपका क्या फ्यूचर हो सकता है हिंदुस्तान की राजनीति में? जो लोग ये जो बैठे हैं सब सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, इन्हें जब आपसे कांटेक्ट करना होता तो शाही इमाम के पास जाते हैं। जो लोग ये समझते हो कि शाही इमाम आपका लीडर है या हो सकता है, उनकी राय आपके बारे में क्या होगी, वो आपको क्या समझते हैं? यही मैं आपसे पूछ रहा हूं, और आपसे पूछ रहा हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि आप प्रज्ञा को वोट दे सकते हैं, उनकी राय क्या आपके बारे में? बात बीजेपी की नहीं है, बीजेपी में तो भले लोग भी हैं, यही मिली थी भोपाल के लिए। अरे भैया कोई ऐसी जगह ढूंढते जहां ज्यादा कुछ इस तरह के कमंडल जाहिल लोग रहते हैं, वहां से खड़ी कर देते थे, तुम्हें भोपाल मिला था। और ये भोपाल के आदमी के बारे में तुम्हारी ओपिनियन क्या है, तुम उसे कितना तुच्छ समझते हो, ये तुम्हारे सिलेक्शन से पता चलता है, ये भोपाल का आदमी बताएगा। प्रज्ञा को लेकर एकदम आपकी नाराजगी की क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपको देखिए, साध्वी जी वो जो पहले बनी थी, वो सिर्फ इतना था कि उन्होंने बाबरी मस्जिद गिरते देखी थी, और गई नहीं थी खुद, ये तो इन्होंने कहा मैं तो गुम्बद पे चढ़ गई थी, क्या बात है, एडवेंचर है। और उनके ऊपर ऐसे केसेस नहीं थे, ऐसे केसेस नहीं थे जैसे कि एम पे है। और ये इससे ये साध्वी और साधु इससे बहुत इंप्रेस मत हुआ कीजिए, आप भूल गए कि रावण जब सीता हरण के लिए आया था तो साधु ही बन के आया था, लिबरल बन के नहीं आया था। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो साधु के रूप में हो वो साधु ही हो। यही बता रहा हूं।